गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी शिल्पा से बात हो रही थी। शिल्पा एमी को लेने के लिए स्कूल गई हुई है, डे केयर गई है, मतलब उसके 5 o'clock हो गए हैं। और मुझे बोले थे कि जल्दी आ जाना आज, बट आज और कल ये 2 दिन मेरा ऑफिस से जल्दी जाना, इट्स रियली वेरी टफ। यू नो व्हाई? मेरा जो मैनेजर है ना, ही इज़ ऑल्सो गोइंग ऑन वेकेशन डे आफ्टर टुमारो, और हमने 4th को जाना है। तो ये जो 2 दिन हैं, ये हम दोनों के लिए बहुत क्रूशियल है। हम दोनों को अपना जो भी वर्क है ना, उसको सिस्टमेटिक तरीके से उसको स्केजुअल करके जाना है, ताकि जब हम वेकेशंस में होंगे ना, हम दोनों अपना अपना काम हमें काम करने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए हमें इसको सिस्टमेटिक करके जाना है। फिर 2 दिन हम दोनों बिजी होने वाले हैं, तो वही मैंने शिल्पा को बोला कि यार आज और कल 2 दिन के लिए मत बोल। आई माइट रीच होम बाय 10 और मे बी बाय 11, बट शी शुड बी फाइन विद दैट, क्योंकि उसके बाद तो ठीक है यार, वेकेशन पे जाना है, एंजॉय करना है यार, मस्ती करनी है। तो मस्ती करने से पहले थोड़ा सा काम कर लेना चाहिए, राइट? आप बोलना शिल्पा को। सो एमी, व्हाट वाज मिसेस टूगुड्स रिस्पांस फॉर योर हेयर कट? एमी, डू यू हैव अ हेयर कट? या, लुक लवली। आह, इवन फेरा सेड इट लुक लवली। एवरीबॉडी इन योर स्कूल इज लाइकिंग योर हेयर कट, है ना? एवरीबॉडी। हु डिड नॉट लाइक इट? देयर्स ओनली 3 पीपल दैट सेड आई लाइक योर हेयर, एंड देयर्स लाइक अ And there are 24 people who said, Did you have a haircut? Hey guys, welcome back to the channel. कैसे आप सब लोग? आज है ट्यूजडे और हमारी फाइनली यूरोप की टिकट्स बुक हो गई हैं। हाँ, अभी तक हमने टिकट्स बुक नहीं कराई थी, क्योंकि हम लोग पासपोर्ट का वेट कर रहे थे कि पासपोर्ट आ जाए, एक बार कंफर्म हो जाए, फिर टिकट्स बुक कराएंगे। नेक्स्ट ट्यूजडे को हमारी फ्लाइट है, तो मतलब एग्जैक्टली 7 दिन रह गए। आज ट्यूजडे, अगले ट्यूजडे को इस टाइम पर हम लोग एयरपोर्ट पे होंगे। तो अब फाइनली जब पता चल गया, काउंटडाउन शुरू हो गया है, तो शॉपिंग भी शुरू हो गई है। पता है ट्रिप का सबसे बड़ा मज़ा क्या होता है? मतलब ट्रिप तो अपने आप में एक मज़ा होता है कि आप वेकेशन पे जा रहे हो, रूटीन से अलग है, बाहर रहोगे, घूमोगे फिरोगे, अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाओगे, ड्रेसअप होके जाओगे, ये तो एक बात होती है। दूसरी एक्साइटिंग चीज़ होगी शॉपिंग। एक तो ट्रिप अपने आप में मज़ा है, और फिर ट्रिप के लिए शॉपिंग करना अपने आप में मज़ा है। तो अभी मैं आई हूँ ओशो सिटी सेंटर एमी के साथ, और एमी का हेयर कट भी देख लो। थैंक यू सो मच आप सबको, एमी का हेयर कट इतना अच्छा लगा। एमी को इतना अच्छा नहीं लगा, एमी थोड़ी सी सैड है, उसको अपने लंबे बाल मिस कर रही है वो, है ना? वो पता है एमी भी मेरी तरह है बिल्कुल, जैसे मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आता ना बाल और छोटे कराने में, एमी भी ठीक है। अब उसको पता है कि मम्मा ने कराया, तो मैं ज़्यादा गिल्टी फील ना करूँ, तो शी इज़ ओके, बट शी इज़ नॉट हैप्पी अबाउट हर हेयर कट। तो मैं उसको आपके सबके कमेंट्स पढ़ाए जा रही हूँ कि एमी, एवरीबडी सेइंग यू आर लुकिंग लाइक अ डॉल, यू आर लुकिंग गुड, बट वो कन्विंस नहीं हो पा रही है। चलो क्या हुआ था? कोई बात नहीं, वापस आ जाएगी। मेरी भी आ गई थी ना, मेरी भी 2 दिन के लिए चली गई थी, फिर वापस आ गई थी, उनकी भी आ जाएगी, ठीक है? तो आज हम लोग आए हैं ओशवा सिटी सेंटर एमी के और मेरे शूज़ लेने के लिए, बिकॉज इस ट्रिप पे मुझे पता है कि हमें वॉक बहुत करनी पड़ेगी। नॉर्वे में, स्वीडन में, डेनमार्क में, आसपास में ना बहुत अच्छे अच्छे साइट सीन्स हैं, जिनको आप ना वॉक करते हुए ही देखोगे। मतलब वॉक करते हुए चलते रहो और प्यारे प्यारे सीन्स आते रहेंगे, ऐसा मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया। तो मुझे लग रहा है अच्छे शूज़ ले लेने चाहिए, न्यू, जो पहनने में कम्फर्टेबल भी हो और फोटोजेनिक भी हो, कि व्लॉग में भी अच्छे लगे। तो चलो आज मिलकर शॉपिंग करते हैं शूज़ की। सबसे पहले देखो, चलते चलते हमें कौन सी शॉप मिली है, इसका नाम देखो क्या है। अमित ने भाई अपनी शॉप खोल ली है ओशवा सिटी सेंटर में। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं सॉफ्ट मॉक में, ओशवा सिटी सेंटर पे ही। पहले एमी के लिए कुछ अच्छे ऑप्शंस देखते हैं। एमी के लिए मैं प्रेफर करूँगी स्पोर्ट्स शूज लेना, रनिंग शूज लेना, क्योंकि मेरे ख्याल से चलने में वो सबसे ज़्यादा कम्फर्टेबल रहेंगे। एमा, डिड यू लाइक एनी ऑफ दीज? वो लोग कह रहे हैं बस यही ऑप्शन हैं एमी के साइज में जो है, दैट्स ऑल। अब ये तो सारे बॉयज़ वाले हैं, गर्ल्स वाले में सिर्फ इतने ही ऑप्शन हैं। मुझे कोई भी अच्छा नहीं लग रहा है। फिला के मैंने एक पसंद किए थे, मुझे वो चाहिए थे, कुछ कुछ ऐसे थे वो, लेकिन वो भी यहाँ पर पड़े नहीं हैं। ये फिर भी मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, बट बाकी और ऑप्शन देख कर मैं फिर लास्ट में ये उठा कर जाऊँगी।
तो सॉफ्टमॉक पे तो हमें कुछ नहीं मिला. एक्चुअली मैं ऑनलाइन ना जर्नीज का एक स्टोर है वो देखकर आई थी जिसके ऊपर अच्छे ऑप्शंस थे. तो अब हम लोग थे मॉल के दूसरी साइड और मुझे जर्नीज कहीं दिखा ही नहीं, तो मुझे लगा सॉफ्टमॉक की जर्नीज होगा बिकॉज जीपीएस वही दिखा रहा था. तो मैंने अकील से पूछा और उन्होंने बोला कि नहीं जर्नीज इस तरफ है. और पता है वो कहा, उसने बोला कि जितना टाइम कम रहता है ना मॉल में घूमने के लिए आप जल्दी से पहुंच नहीं पाओगे. तो वो हमारे को सीक्रेट डोर से लेकर आया यहाँ पे जहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉयज ओनली का एक्सेस था. फेल्ट प्रिविलेज्ड. लेकिन ये नहीं बताया कि यहाँ पर भी किस तरफ है. देखो हम ढूंढ पाते हैं कि नहीं ढूंढ पाते वो स्टोर. डू यू लाइक दिस? बच्चे की चॉइस देखो, मैं इसको शूज दिखा रही हूँ, ये वाले, और इसको पसंद आ रहे हैं ये वाले, ये क्योंकि इसमें पिंक कलर है. ये लड़कियां पिंक को लेकर इतना क्रेजी क्यों होती हैं? अमी भाई जो सेल्स पर्सन है ना उसने तो हमें ये वाले शूज रिकमेंड किए हैं कि इफ यू वांट टू वॉक फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम दीज शूज आर द बेस्ट. आई वांट सम कूल काइंड ऑफ शूज. कूल शूज कैसे होते हैं? उनके अंदर आइस पैक होता है. तो एमी को ये वाले शूज बहुत कंफर्टेबल लगे और ये पसंद आए हैं ना. आर यू गुड? या कंफर्टेबल है. ओनली विद वन डिटेल. ओनली विद वन डिटेल? या व्हाट डिटेल? लुक बेटा, लूज लग रहे हैं मुझे ये तेरे. नो, इट्स वेरी कंफर्टेबल. इट्स वेरी कंफर्टेबल. टाइम फॉर द नेक्स्ट शू. दूसरे पेयर ऑफ शूज ये वाले हैं. ये न्यू बैलेंस के हैं, वो नाइकी के थे. तो एमा ये वाले ज्यादा अच्छे लग रहे हैं कि वो ज्यादा अच्छे लग रहे थे? वन टेस्ट. वन टेस्ट. ये टेस्ट हो रहा है शूज का कि ज्यादा अच्छे कौन से होंगे जिसमें रनिंग करने में ज्यादा कंफर्टेबल हो. मुझे वैसे फिटिंग वाइज ना ये ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, वो थोड़े लूज लग रहे थे. ये पूरे फिट लग रहे हैं. वो वाले ज्यादा कंफर्टेबल थे, उसको वो वाले चाहिए. ये देखो अब बताओ कि ये ज्यादा अच्छे लग रहे हैं कि ये ज्यादा अच्छे लग रहे हैं? मुझे ये वाले ज्यादा अच्छे लग रहे हैं. एमी आपको? The one which I leave down, that's the one which I like, okay? Okay. The one which I leave down, okay? Okay. Watch. Thank you. चलो जी, पहली शॉपिंग हो गई ट्रिप की. चलो जी, मॉल आने का एक और फायदा हो गया. दो दिन से मैंने अपने आईफोन का प्रोटेक्टर जो है ना, जो स्क्रीन प्रोटेक्टर होता है, वो उतार रखा था बिकॉज मेरी स्क्रीन ना जो प्रोटेक्टर है वो कैमरे के ऊपर भी था और मैं फ्रंट कैमरा से वीडियोस बनाती रहती हूँ. तो मुझे लगता था उससे ना क्वालिटी खराब हो रही है क्योंकि वो हमने अमेजोन से ऑर्डर करके घर पर ही लगाया था. तो आई वाज लाइक कि अब ना प्रोफेशनल तरीके से लगवाती हूँ मैं किसी से बाहर जो अच्छा स्क्रीन अच्छे से साफ साफ करके लगाएंगे. तो एक तो वो भी लग गया, चेंज हो गया. तो अब दो दिन से डर लग रहा था यार आईफोन गिर गया तो स्क्रीन टूट जाएगी. मेरे फोन बहुत गिरते हैं यार. और एक मैंने एक बैक कवर भी अच्छा सा ले लिया. मुझे मेरा पुराना वाला बैक कवर है बड़ा बोरिंग लगता था. तो घर जाके अमित के फोन से दिखाती हूँ कि मैंने कौन सा बैक कवर लिया. आई लव दिस वन. अभी पिछले व्लॉग में ही अमित आपको बोल रहे थे ना कि वो शिल्पा मुझसे पहले पहुंच गई है और उसके पास गेट की चाबी नहीं है और चलाएगी, मेरे को वो नंबर लॉक लगाना है. अभी देख लो उस बात को भी दो दिन हो गए हैं. अब फिर मैं पहुंच गई हूँ घर पे और अमित अभी ऑफिस से आई नहीं और अमित के पास है घर की चाबी. मुझे फिर गैराज से जाना पड़ेगा. अभी तक वो नंबर लॉक लगा नहीं है. उस दिन तो घर घर की कहानी इतनी बनी थी, आज ज्यादा बनेगी. मतलब इतने दिन हो गया हमारा नंबर लॉक आया हुआ है, वो जो डिजिटल लॉक होता है, बस लगाने का ही टाइम नहीं मिल रहा है. एमा, अब क्या कर रहे हो बेटा खड़े खड़े? ये देखो जी भाई, एमी की आज, ओ दैट्स ब्यूटीफुल एमी. ये क्या है? सो ऑन द सो दिस इज अ सन एंड अ मून. ऑन द टॉप ऑफ इट इट्स अ मून एंड ऑन द बॉटम इट्स अ सन. दिस इज द डे एंड दिस इज द नाइट. ओके दैट्स नाइस एमी. गाइस देखो, दो चीजें साथ साथ बन रही हैं. पहले क्या पिएंगे ये हमें बड़ी कंफ्यूजन हो रही है. इधर मेरी चाय बन रही है और उधर शिल्पा ने यमी यमी सूप बनाया है. तो शिल्पा, हम पहले क्या पीने वाले हैं ये बता. पहले चाय पियेंगे बिकॉज ये सूप जो है ये तो अभी पकेगा, बहुत देर तक पकेगा. इसमें मैंने टोफू डाला है, ज़ुकीनी डाली है, प्याज डाला है और कैबेज है और स्प्रिंग अनियन काट के रखे हुए जो ऊपर से डालूंगी. और मतलब हम कल गए थे हॉट एंड सावर सूप पीने परसों, तो शिल्पा का मन नहीं भरा. मैंने घर पे बना लिया. वो अच्छा नहीं बना था. वॉलमार्ट जाके सारा हॉट एंड सावर सूप का सामान लेकर आई हूं. बट आई कैन स्टिल गारंटी कि मेरी चाय पीने में ज्यादा मजा आएगा. अपने मुंह में या बिट्टू.
सूप बनाना है बड़ा स्यापे वाला काम, पर लग बड़ा अमेजिंग रहा है। डाल दे शिल्पा, हो गया होगा ये। बट कहने की बात है कि डिनर में आज सूप है। मैं कह रही हूँ खाना बनाना आसान है, सूप बनाना मुश्किल है। दुनिया जान की चॉपिंग होती है सूप में, ये काटो वो काटो वो काटो, 50 वेजिटेबल्स काटनी पड़ती है यार। अकेले स्टार्ट क्यों किया, मेरी वेट कर लेती मैं काट देता। 8:30 बजे का सूप बन रहा है, 9:45 हो गया है। Hey guys, welcome back to Chit Chat with Amy. Today I'm gonna open my dad's mail. Oh, why are you opening my mail? Because I want to. शिल्पा अपनी शॉपिंग करके आ गई है, मैंने अपनी शॉपिंग ऑलरेडी ऑनलाइन कर रखी थी। चल एमी बाकी सामान मुझे दे दे, तू पटाखे बजा। शायद शॉपिंग तो मेरी भी शुरू हो गई है, बट मैं शॉपिंग कर रहा हूँ आपके लिए। मेरे कपड़े और जूतों की शॉपिंग नहीं हो रही, मैं बस ये प्लान कर रहा हूँ कि जो हमने ब्लॉग बनाना है ना वो इंटरेस्टिंग से बने, अच्छे से बने, तो इसलिए अपने गैजेट्स मंगवा रहा हूँ मैं। ये मैंने सोनी का एक ये ट्राईपोड मंगवाया है। हमारे पास ना अभी एक सोनी का कैमरा भी है, बट वो हम हार्डली यूज करते हैं। किस लिए? क्योंकि घर पे ना जब डेली व्लॉगिंग करते हैं फोन से व्लॉगिंग करना बड़ा आसान लगता है, बट यार अब तो ट्रिप पे जा रहे हैं, वहाँ पे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने हैं, तो मुझे लगा यार कैमरा यूज होना चाहिए। और उसका जो मेरे पास अभी एग्जिस्टिंग गिम्बल है ना वो इतना बड़ा है कि उसको ना लगाने में मुझे आफत आती है, तो इसलिए मैंने ये मंगवाया है। और मोबाइल के लिए भी, शिल्पा के लिए बल्कि मैं मैग्नेटिक मोबाइल का बैक कवर लेकर आया था। क्या सोचते? लेकिन मैं तो अपना बैक कवर आज ले आई हूँ। हाँ तुम ये ले आई, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए मैंने ये मंगवाया था। और साथ में ये मंगवाया ये है मैगसेफ माउंट। तो क्या है कि इसको किसी भी हैंडी ट्राइपॉड के साथ लगाकर आपको ना मोबाइल को बार बार स्पिन नहीं लगाना, सिंपली ये टच हो जाएगा, टच करो ये कनेक्ट हो गया। अमित और मेरे साथ ना मोस्टली यही होता है, हम दोनों सेम चीज लेकर आते हैं सेम डे पर एक दूसरे को बताए बिना। अब अमित ने अमेजोन से मेरे लिए कवर ऑर्डर किया और मुझे बताया नहीं था, ये मेरे लिए सरप्राइज था जब घर पे आया है। और उससे पहले मैंने अमित को सरप्राइज दे दिया, मैं भी आज अपना नया कवर लेकर आई हूँ, आज ही वॉशवा सेंटर से। अब तुम पता है सबसे पूछोगे किसका कवर अच्छा लग रहा है, डेफिनेटली तुम्हारा कवर ही अच्छा लग रहा है, बट उस कवर का पर्पस कुछ और था। आई नो, ये मैग्नेटिक कवर है, मतलब उसके साथ वो ये लगा दो तो फिर व्लॉगिंग करनी वीडियो फैन हो जाती है। तो फिर बताओ क्योंकि ये अमेज़न से है, ये रिटर्न हो जाएगा, ये रिटर्न नहीं होगा वैसे तो अमित, लेकिन मुझे ठीक है ना। नहीं नहीं दैट्स ओके, तुम अपना ये वाला कवर रखो। हाँ, और मैं इस कवर को चेंज करा के सेम कवर अपने मोबाइल के लिए तो मैंने आपको बताया था ना वो घर जाके कवर दिखाऊंगी, तो देखो मैं ये वाला कवर लेकर आई। वैसे पहले मेरे पास ना ट्रांसपेरेंट प्लेन था कवर, तो मुझे वो बड़ा बोरिंग सा लगता था। दो मेरे फोन का कलर अच्छा है, ब्लू कलर है, पर्पल कलर, लेकिन ये थोड़ा व्हाइट और गोल्डन लुक ना बड़ी अच्छी दे रहा है ना। पर्पल तुम्हारा अच्छा कलर लगता है तुम्हें, पर्पल? हाँ इतना मतलब तुम्हारा फेवरेट तो गोल्डन था शिल्पा, तभी तो मैं गोल्डन बैक कवर ले आई हूँ, मतलब व्हाइट और गोल्डन, ये सारा यहाँ पे गोल्डन गोल्डन है। तो ये अब अमित अपने लिए मंगा लो भाई, ये सॉरी सॉरी यही डिस्कस करके चीजें करनी चाहिए है ना, तो तुम्हें भी घर में लोगों को डिस्कस करना चाहिए, तुम्हें भी पूछना चाहिए। ऐसा लगता है जैसे अमित तो आपस में बात ही नहीं करते उसे। इस बार ना मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मेरी क्यू एन ए वाली वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस मुझे आएंगे ना मैं सबके आंसर दूंगी, मतलब ये एक अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास। तो एक और क्वेश्चन था जो मैं कवर नहीं कर पाई थी क्यू एन ए वाली वीडियो में, तो मैंने आपको बताया था ना 3-4 क्वेश्चंस रह गए, वो मैं एक एक करके कवर करूंगी। तो मुजम्मल नईम का क्वेश्चन था, व्हाट थिंग्स यू नोटिस व्हाइल टेकिंग इंटरव्यूज। वैसे तो मुझे लगता है ये बड़ा इन्फॉर्मेशनल टॉपिक हो जाएगा, पता नहीं मेरी सारी ऑडियंस इंटरेस्टेड होगी इस बारे में या नहीं होगी, लेकिन फिर भी क्विकली इस बात के ऊपर अगर डिस्कशन कर ले तो बड़े सारे ऐसे लोग जो कि कहीं पर भी इंटरव्यूज दे रहे हैं फायदेमंद हो सकता है उनके लिए। तो मैं बोलूंगी इस जॉब में ना आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ना बहुत मौके मिले हैं सीनियर मैनेजमेंट के साथ बैठकर इंटरव्यूज लेने के। तो आफ्टर द इंटरव्यू जो ये पैनल होता है ना पूरा, जिसमें आपके मैनेजर्स भी होते हैं, डायरेक्टर्स भी होते हैं, एचआर की तरफ से मैं कई बार रिप्रेजेंटेटिव होती हूँ, तो हम आफ्टर द इंटरव्यू ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि कैंडिडेट कैसा था, आपको क्या अच्छा लगा, इस कैंडिडेट में क्या बुरा लगा। तो मुझे बड़े सरप्राइजिंग से फाइंडिंग्स मिले जो मुझे नहीं लगता था कि इतने इंपॉर्टेंट हैं। मुझे क्या लगता था ये इतने सारे इंटरव्यूज लेने से पहले एज इंटरव्यू पैनल कि नॉलेज बहुत जरूरी है, पर्सनैलिटी बहुत जरूरी है, इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, दो ये भी जरूरी है, लेकिन आपको पता है सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? एक इंटरव्यूअर आपके अंदर सबसे ज्यादा क्या देखता है, आपका एटीट्यूड क्या है, आपका एनर्जी लेवल क्या है, आपकी एक्साइटमेंट क्या है, आपकी सीरियसनेस जो आपको लेकर क्या है। प्रेजेंटेबल बहुत बाद में आता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जीरो है, बट जब से हमने ये रिमोट इंटरव्यू लेने शुरू किया ना वी डोंट माइंड अगर कोई टी शर्ट में बैठकर भी इंटरव्यू दे रहा है। और इंग्लिश कम्युनिकेशन तो ये मेरे दिमाग में था कि कैनेडा है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो इंग्लिश कम्युनिकेशन तो भैया तो भी होनी चाहिए, नहीं तो आपका कोई चांस नहीं है बड़ी बड़ी कंपनीज में बड़े बड़े लोगों के आगे इंटरव्यू क्लियर करने का। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आप अच्छे से अपनी बात को बता सकते
सकते हो इंग्लिश में और सामने वाले इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं उसको समझ सकते हो अच्छे से, यू आर गुड टू गो. कोई यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सेंट के ऊपर एम्फोसिस नहीं करता है, कोई बहुत ज्यादा आपका आप कितने नेटिव इंग्लिश स्पीकर हो इतना कोई एम्फोसिस नहीं करता. एम्फोसिस करते हैं कि बंदा एनर्जी क्या लेकर आ रहा है. मैं जो हर बार ही बात करती रहती हूँ ना कि यार पॉजिटिव माइंडसेट रहना चाहिए या फिर पॉजिटिव आउटलुक होना चाहिए लाइफ में. आपको पता है आप ना अगर सिर्फ इंटरव्यू में बनने की कोशिश करोगे ना कि यू आर वेरी पॉजिटिव पर्सन, आप वो एनर्जी एमिट नहीं कर पाओगे, वो वाइब्रेशन एमिट नहीं कर पाओगे. कई बार ऐसा होता है कि हम ना टीम्स खोलते हैं, सामने कैंडिडेट आता है, विद इन टू मिनट्स वी ऑल जस्ट लव दिस कैंडिडेट. उसके बाद वो कैंडिडेट कुछ गलतियां भी करता है ना, वो सारी ओवरलुक हो जाती है बिकॉज उसकी एनर्जी, उसकी वाइब्रेशन, उसका ऑरा, उसका एक्साइटमेंट, उसका चार्म, वो सब कुछ इतना होता है, वो एक पॉजिटिव एनर्जी दे रहा होता है. और मैनेजर्स को लगता है कि यार मेरी टीम में ना ये बड़ा अच्छा रहेगा, मेरी टीम के साथ ही बड़ा अच्छा जनप करेगा. और कई बार ना बंदे के पास पूरी नॉलेज होती है मगर एटीट्यूड इतना फड़ा हुआ होता है, जवाब इतने बूझे बूझे से होते हैं, चेहरे पर ऐसी 12 बजी पड़ी होती है, बड़ा सीरियसनेस होता है. वो लोग ना चाहे उनके पास सारी नॉलेज होती है ना, फिर भी पता नहीं क्यों, और हम कई बार ये डिस्कस करते हैं कि आई डोंट नो व्हाई आई डिड नॉट लाइक दिस कैंडिडेट. द कैंडिडेट वाज प्रेजेंटेबल, द कैंडिडेट हैड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, द कैंडिडेट हैड गुड नॉलेज ऑफ द टॉपिक, फिर भी पसंद नहीं आया कैंडिडेट. और ये चीज सभी लोग अग्री कर रहे होते हैं. तो गाइस बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर एम्फोसिस करने की बजाय किसी इंटरव्यू में, देखो नॉलेज बहुत जरूरी है, अगर आप कुछ बोलोगे ही नहीं, क्वेश्चन के आंसर ही नहीं करोगे तो आपको जज कैसे करेंगे. मगर पता है प्रेजेंटेबल रहने के साथ साथ चार्मिंग रहना, गुड मूड में रहना, गुड एनर्जी में रहना, एक्साइटेड रहना और सामने वालों को ये बताना कि इवन इफ यू डोंट नो द थिंग्स यू आर सुपर एक्साइटेड टू लर्न अबाउट द थिंग्स. और टीम कल्चर, लाइक आप दूसरे लोगों के साथ कैसे जनप करते हो और दूसरे लोग आपको प्यार करेंगे या नहीं करेंगे, वो लाइकेबल नेचर, वो बहुत जरूरी है. मतलब वैसे तो यार इंटरव्यू में क्या क्या नोटिस करते हैं मेरे ख्याल से ये आपको दुनिया जहान के एचआर रिलेटेड वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगे, मगर ये थोड़ी सी फाइंडिंग्स हैं जो मैंने अपने पैनल के साथ बैठकर जो सीखा है ना, जो मेरे लिए भी एक लर्निंग है, वो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ जरूर शेयर करनी चाहिए. तो जब भी इंटरव्यू में जाओ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाओ, स्माइल के साथ जाओ, बड़ी सुपर वाली एनर्जी के साथ जाओ और ये सोचकर जाओ यार कि मुझे, मैं इंटरव्यू में सक्सेसफुल हूं या ना हूं, बट ये लोग मुझे याद जरूर रखें कि कोई बंदा आया था इंटरव्यू देने के लिए. वेस्ट एटीट्यूड के साथ जाओगे तो जॉब डेफिनेटली आप ही की होगी. तो चलिए गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही. अगर मेरा आंसर पसंद आया, ये वीडियो पसंद आई और आपको अगर मैं पसंद हूं तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो. हमसे मिलो अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय.